I'm just calling to say I... हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग के पास है यहाँ पे दो खूबसूरत बाइक, एक देख सकते हो आप FZS और दूसरी FZX। तो ये भी रिसेंटली कल ही लखनऊ में लॉन्च हुई है और हमारे पास आ चुकी है। तो हम इसका एक कंपैरिजन टेस्ट, तो हम इन दोनों बाइक का परफॉर्मेंस टेस्ट करने जा रहे हैं एक रेस से, देखते हैं कि क्या टॉप स्पीड दोनों इंजन दोनों का सेम है। और यहाँ पे पावर की बात करते हैं तो इसमें आता है 12.2 bhp और इसमें आता है 12.4 bhp। और इन टॉर्क की बात करें तो 13.3 और 13.6, तो कुछ खास अंतर नहीं है, पॉइंट्स का भी फ़र्क है और ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। और इसमें खाली थोड़े से ग्राफिक और मॉडल चेंज किया गया है थोड़ा सा, आप देख सकते हो बॉडी पूरी ही चेंज है। आप इसको स्पोर्ट टूरर कह सकते हो, उस लुक में बनाया गया है। और इसको भी आप देख सकते हो यहाँ पे, तो दोनों ही BS6 बाइक हैं। तो हम टेस्ट किए हुए परफॉर्मेंस शुरू करते हैं, करके देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी सवाल हो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और हमारे साथ परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे कुंदन भैया, KSC ब्लॉग इनका भी चैनल है, जाकर सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं राइड करूंगा FZS और कुंदन भाई करेंगे FZX। तो मैं S और वो X, पावर सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे बहुत कुछ चीजें चेंज की गई हैं लुक के मामले में। और कुंदन भाई का थोड़ा सा वेट ज्यादा है, मेरा 65 है, इनका 88 है, तो वेट फर्क यहाँ पे है थोड़ा सा। और बाकी चलिए, तो चलिए परफॉर्मेंस टेस्ट शुरू करके देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। कुंदन भैया ये क्या कर रहे हो? अबे बाइक में आते हैं 5 गियर, 100 प्लस हो गई है। इंजन भाई पीछे हमारे, ये 109 जा रही है, यहाँ पे 110, 111, 111, 12 पे रुक गई है थोड़ा सा से।
FZS जो है वो जीत गई यहाँ पे, और जो X है वो हार गई। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था वैसे, हाँ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। ये चल गई है, एक मिनट को, ये चल गई है 11,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो ऑब्वियसली क्या रिजल्ट निकल गया। हालांकि यहाँ पे मुझे इनिशियल और हर एक चीज़ में कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस यहाँ फर्क वेट का आया है। इनिशियल पे तुमको फर्क पड़ा? इनिशियल में डाउन थी ये, मिड में ये निकल गए, मिड में वो निकल गए, इनिशियल में नहीं निकल पाया। इंजन उसका थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड हो गया अब, और बस इतना कह सकते हो। इंजन रिफाइंड है और बाकी पूरी बाइक भी चेंज है। चलिए अब मैं राइड करने जा रहा हूँ एक्स को, और अब देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। इनिशियल में आप शायद हेड टू हेड टक्कर हो सकता है, अब क्या होगा वीडियो में देखना आप। बाकी तो अभी मैं राइड करने वाला हूँ FZS और कुंदन भाई करेंगे FZS, तो सब कुछ फिट कर लें पहले, नहीं कपड़े उड़ने लगते हैं। कर लिया हमने, मैं चला रहा हूँ और शुभम चला रहे हैं FZS, तो चले। मैं निकल गया, गियर फंसा था, एक बार गियर फंसा था पीछे है, कुंदन दिया एक और गियर। इनिशियल में तगड़ी है वो, वेट वेट। हम जीत गए, हमको हरा पाओगे? हरा देना यार, हार जीत तो चलती रहती है, हारी बाजी को जीतना सब। FZS तुमसे ना हो पाएगा, स्लिप स्ट्रीमिंग का मौका दो तो। हाँ
हर समय नहीं मिल सकती है, तो आप मतलब ये 113-14 गई स्लिप स्ट्रीमिंग पे और फिर से 110 तो यहाँ पे फर्क बस इतना था कि इनिशियल में वेट का इशू आता है। हालांकि पावर की बात करें तो यह पावर एफजेड एस में ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि पॉइंट्स कम है लेकिन पावर ज़्यादा दिखा रहा है। और इसका इसमें क्या है, इसमें इनिशियल में अच्छा लॉन्च हो रही है, थोड़ा सा इंजन रिफाइंड है और ज़्यादा कुछ आप समझ ही सकते हो, ज़्यादा कुछ बोलने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप देख सकते हो इसमें आता है LED प्रोजेक्टर बीच में लगा हुआ है, और इसमें आती है सिर्फ LED DRLs और LED हेडलैम्प्स, तो बस इतना फ़र्क है, बाकी आप देख सकते हो दोनों ही बाइक। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी सवाल हो इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों जगह फॉलो कर सकते हो और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राइड सेफ।